सभी का नमस्कार। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा और सभी के लिए बना रहे हैं। प्लीज सभी आइए हमारे घर और सभी खाइए। देखना हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। ये गाय का घी था, थोड़ा हल्का सा कलर इसका पीला लग रहा। और अभी देखना बन रहे हैं हमारे लास्ट तक व्लॉग में। आप बने रहे हमारे लास्ट तक व्लॉग में। सबके लिए हम बना रहे हैं हलवा। आप सब आइए हमारे घर, जरूर हमारा एक बार हलवा खा करके जरूर कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ये हलवा की रेसिपी कैसी लगी। बिलू क्या बना रहे हैं? हलवा। क्या बना रहे हैं बाबू? रंग मत निकालो, वैसे बताओ क्या बना रहे हैं? हलवा। कौन खाएगा? राम राम जी, राम राम, राम, राम जी।, जी ये देखो ये बिल्लू है, ये लो, ये लो, ये बिल्लू है। आज हलवा बनवा रहा है। आज बना रहे हम लोग, आज सिलसिला बना रहे हैं। इनके पापा की छुट्टी है, इनका मन कर रहा है कि आज हलवा बनाओ, तो हम बना रहे हैं हलवा। देखना हमारी रेसिपी। अभी इसकी सिकाई कर रही है आराम से, और धीरे धीरे सिकाई करनी पड़ेगी। लगभग 10-15 मिनट है ना? नहीं, 7-8 मिनट लगेंगे अभी बनने में। तब तक इंतजार करें और प्लेट में लगा के भेज रहे हैं जल्दी ही। सभी के लिए बना रहे हैं, सभी जरूर टेस्ट करें हमारा हलवा। आपको कैसे लगता है एक बार जरूर बताइए, जरूर बताना। और अभी सिखा नहीं है, धीरे कम आँच में से इसे बनाना नहीं आता है। सुशीला को सही नहीं बनाना आता है, जरा बताना जरूर। जो माता बहने बनाती है वो सुशीला को सिखाना, इसे सही नहीं बनाना आता। मुझे जो कमी लगे मेरे में तो वो बताना मुझे, जरूर मैं सुधार करूंगी इसका। इसे हलवा नहीं बनाना आता बिल्कुल, मुझे सिखाना पड़ रहा है। धीरे कम हाथ में सेक इसे, बिल्कुल जीरो में धीरे ये तो आप और कम में सेक। और अच्छा घी डाल, ज्यादा घी डालो बिल्लू। धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही वीडियो में बने रहे और वीडियो का पूरा आनंद ले। वीडियो पूरा देखा करो यार, पूरा नहीं देखते हो वीडियो, हमें पता लग जाता है। मेरे को दिखाई दे रहा, बताओ आप दर्शकों को सिखाए नहीं सिखा हलवाई हो। ये देखो हमारा हलवा, ये सूजी अभी पक चुकी है और अब इसमें डालेंगे पानी। देखना ये इधर मैंने गरम पानी भी कर लिया है और अब इसमें डाल रहे हैं गरम पानी। ये डाल दियो गर्मा गर्म, सर्दी को टाइम में इसलिए गर्म डाल रहे हैं। नहीं, हलवा में हमेशा थोड़ा में ही पानी डालता, मैं तो ठंडा डालता हूँ। अब कुछ भी डाल दो आपकी मर्जी। ये देखो पानी मैंने डाल दिया है और अब डाल देंगे इसमें मीठा। बादाम वादाम कुनी मारकन तो बिल्कुल सीधा सिंपल हलवा बना रहा। काजू कुजू कुने मारकन काया को निकड़ गई थी। चीनी हाँ, चीनी। ये देखो मैं डाल रही हूँ अब इसी में चीनी, और ये अभी थोड़ी देर में पक करके हलवा हमारा रेडी हो गया। हाँ, क्या खाओगे? चीनी। बिल्लू ने चीनी चाह रही। अब ये बिल्लू भी बहुत घोड़ू हो रहा है। हेलो जी, तो भाई आज हलवा बना लिया है दोस्तों, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी। मेरी छुट्टी थी तो मैं बोला भाई हलवा ही खिला दो, तो बनाया सुशीला ने। देखते हैं कितना टेस्टी है, और आप भी जरूर खाने के लिए आ जाओ भाई, आपका स्वागत है हलवा खाने के लिए। ये देखो हलवा फटकने लग गया है और अभी 2-3 मिनट में पक करके हलवा हमारा हो जाएगा रेडी। पतला बहुत करा, लेकिन राबड़ी बनाई है। राबड़ी कहाँ है, अभी पकेगा ये देखना, अपने आप ही हो जाएगा गाढ़ा पानी से अभी उबाल आएगा। ये लो जी, ये बिल्लू लो इधर। ये देखो बिल्लू, बिल्लू की आज करवा दी है कटिंग। ये देखो बिल्लू अपनी कटिंग दिखा दो, आ जाओ ये देखो। मैं कटिंग तो देखो, देखो देखो बिल्लू की कटिंग, फौजी कटिंग करा के लाया हूँ। ये देखो हमारा हलवा बिल्कुल हो गया है रेडी, न पतला है न गाढ़ा है। हम तो इसी तरह बनाते हैं। फ्रेंड्स आप भी एक बार जरूर बताएं कि आप किस तरह हलवा बनाते हैं। और धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल। सभी के लिए हो गया है रेडी और सभी आ जाइए हमारे हलवा दिखाओ, हलवा खाने के लिए दिखाओ एक बार। ये लो जी गर्मा गर्म, कैसा बना प्लीज जरूर बताना। आप इंतजार आपके कमेंट का दोस्तों, जरूर बताना। ये लो जी हलवाई, ये लो हलवाई जी, या लो हलवाई सुशीला हलवाई। बिल्कुल जी, आना हमारे घर जरूर खाना हमारी ये हलवा। ओके, अभी हम लोग हलवा वगैरह खा के और आ चुके हैं मेरठ रेलवे जंक्शन पे, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं मेरठ कैंट का जो रेलवे स्टेशन है वो दिखाने जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों बोर्ड लग रहा है सामने मेरठ कैंट जंक्शन का, और हम बिल्लू अभी बाय कर रहा है सभी को।
अब भी आपको हम और दिखाएंगे, ये देखो पूरा सीन दिखाते हैं। ये जंक्शन है, ये फ्रंट का व्यू है, बहुत पुराना है, 1945 से भी पहले का बना हुआ है, लगभग 1939 के आसपास इसका निर्माण हुआ है, तो बहुत पुराना। ये देखो साथियों, ये देखो, और उधर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उधर पोस्ट ऑफिस है, रेलवे पोस्ट ऑफिस भी यहाँ बना हुआ है। ये देखो बहुत बड़ा है दोस्तों ये, और अभी हम यहाँ आए हैं घूमने, आपको दिखाएंगे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, और आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहें। ये देखो साथियों, और अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब प्लेटफॉर्म जो हैं, जहाँ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उधर का भी आपको सीन दिखाएंगे। और ये देखो बहुत सारी यहाँ जो पैसेंजर्स हैं, अभी ट्रेन वगैरह आई हैं तो निकल के गए हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, देखो बहुत अच्छी यहाँ हरियाली बनी हुई है, और बिल्लू भी आज हमारे साथ साथ में आया है ट्रेन देखने के लिए, देखो। और अभी हम लोग चल रहे हैं आगे, और इधर का ये देखो एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है, ये जो जंक्शन है और बहुत पुराना है, 1939 के आसपास का है दोस्तों। और इधर ये देखो 1912 में बना हुआ, जी निर्माण वर्ष मैं आपको 1939 बता रहा था, सॉरी चाहता हूँ, जो एक्चुअल डेट है इसकी निर्माण वर्ष की 1912 है। और ये इधर देखो टिकट काउंटर बने हुए हैं, तो आज आपको हम बहुत सारा दिखाएंगे, मेरठ कैंट जो रेलवे स्टेशन है इसके बारे में भी बताएंगे। और इधर बने हुए हैं सारे काउंटर्स, यहाँ मिलती हैं टिकट वगैरह, ये देखो 5-6 टिकट काउंटर भी बने हुए हैं। और ये दोस्तों इधर हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक ये लाइनें जाती हैं, मुजफ्फ़र सहारनपुर यहीं से सारी गाड़ियाँ निकलती हैं देखो। और ब्रिज भी बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और सामने वाला दोस्तों वो 2 है, और उससे आगे 3, 4, 5 हैं। और अभी देखो बिल्लू और उसकी मम्मी भी घूमने जा रही हैं धीरे धीरे। और ये देखो बने हुए हैं, यहाँ स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, और ये इधर जो सहयोग वगैरह जो पूछताछ केंद्र है वो लगे हुए हैं। ये बहुत पुराना है, 1912 में इसका निर्माण हुआ, देखो टिन शेड लगा हुआ है पूरा ऊपर, अंग्रेज़ों का ये दोस्तों बनाया हुआ है। आपको जानकर मतलब आज पहली बार ऐसी जानकारी मिल रही होगी कि 1912 में रेलवे स्टेशन बना है जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया, कितना सुंदर बना है, कितना हाइट है, कम से कम 40 फुट इसकी हाइट है दोस्तों, और बहुत अच्छा है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और बिल्लू जा रहा है, इसकी मम्मी जा रही है अभी, और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम आ गए हैं ना प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बैठेंगे। प्रतीक देखो साथ में है, ये रहा प्रतीक, बाय कर दो। काफ़ी ट्रेन है, पहली बार आज सुशीला घूमने आई है, कभी इसको ट्रेन में मैंने बैठाया नहीं है, तो आज ये ट्रेन में बैठने के लिए आई है यहाँ, और देखते रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही, आपको बहुत सारी और भी चीज़ें दिखाने को मिलेंगी यहाँ पे। अभी आ रही है सारण, ये देखो ट्रेन भी आ रही है सुपर फास्ट, बिना रुके गाड़ी, इधर आ जाओ, बिना रुके अभी गाड़ी आ रही है, अभी आपको दिखाएंगे ट्रेन भी। ये देखो पूरा व्यू इधर का, ये देखो ये पूरा मेरठ क्षेत्र है, ये देखो बहुत लंबा, आप ये देखो बहुत फास्ट गाड़ी आ रही है, ओनली इंजन ही गया है, ओनली इंजन धोखा हो गया, ट्रेन का धोखा हो गया, ओनली इंजन ही गया। और यहाँ पर काफी मतलब काफी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, बहुत ज्यादा हरियाली है देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है देखो, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, बहुत पुराना है ना, बहुत अच्छा लगता है। और आप हमारा पूरा सहयोग करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और इधर ये बैठ चुके हैं अभी बिल्लू और इसकी मम्मी, क्योंकि ये मान रहे हैं थकान, थक चुके हैं, इनको बहुत जल्दी थकते हैं ना, 1 किलोमीटर है यहाँ से हमारा रूम, तो अब यहाँ हम लोग आपके साथ और भी बातचीत करने वाले हैं। बिल्लू बिल्कुल बने रहे हमारे साथ इसी तरह, और देते रहे अपना सपोर्ट, आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक करते रहे आप हमारा इंतजार। और ये है देखो फ्रंट मतलब इसका जो लास्ट का इधर है दिल्ली वाला सीन, इधर इधर की गाड़ियां दिल्ली की ओर जाती हैं, जो आप दिशा देख रहे हैं इधर दिल्ली की ओर जाती हैं, बहुत पुराना है। तो हमने कोशिश की है आपको आज मेरठ का जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, वो दिखाने की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय बाय।